पाकिस्तान वर्सेज नीदरलैंड के बीच में आज पहला वोडियाई वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला खेल रही थी दोनों टीमें, और इस बीच में बाबर आजम यहाँ पर हारिस रऊफ को एक थप्पड़ जड़ते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अब आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर इस थप्पड़ के पीछे की वजह क्या है। इससे पहले वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान वर्सेज नीदरलैंड, पाकिस्तान का रिकॉर्ड नीदरलैंड के सामने बेहतर है। 6 मैच नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने खेले हैं और 6 मैच में ही पाकिस्तान ही विजेता रही है। वैसे भी इस मैच पे जब पाकिस्तान बैटिंग करने आई तब ऐसा लग रहा था कि इस मैच में उलटफेर होने वाला है। ऐसा लग रहा था कि नीदरलैंड इस मैच में कुछ भी कर सकती है। जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फेल रहा, इमामुल हक, फखर जमा जो अपने एक बेस्ट की तलाश में है वो भी बेकार रहे। उसके बाद में अगर हम बात करें सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बाबर आजम, जिनके ऊपर लोगों की उम्मीदें थी, वो भी सिर्फ 5 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं 18 गेंदों में। उसके बाद में जिम्मेदारी होती है साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान के ऊपर। बाखूबी इन लोगों ने निभाया भी और 68 रनों की पारी खेल के एक अच्छी साझेदारी टीम को दी और टीम को एक अच्छे सिचुएशन में लेके जाके पहुंचाया। उसके बाद में छोटी छोटी साझेदारियां होती रही, पाकिस्तान 286 रनों तक पहुंचा। फाइनली इस मैच के बाद में पाकिस्तानी टीम को 2 अंक मिल गए हैं और पाकिस्तानी टीम की शुरुआत कह सकते हो अच्छी रही है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम यहां पर नीदरलैंड के खिलाफ बिखरती हुई नजर आई, सवाल तो बनता है अगर ऑस्ट्रेलिया के सामने मैच होगा तो पाकिस्तानी टीम क्या करेगी, अगर भारत के सामने मैच होगा तो पाकिस्तानी टीम किस तरीके से परफॉर्म करे। जिस तरीके से हम ओपनिंग साझेदारी की बात करें, फखर जमा और इमामुल हक पूरी तरीके से फेल नजर आए हैं इंडिया में जब से आए हैं, कोई भी एक बेहतरीन स्कोर उनके बल्ले से नहीं निकला है। वहीं पर अगर हम बात करें बाबर आजम, जो दोनों अभ्यास मैचों में अच्छा करके आए थे, लेकिन इस मैच में प्रेशर मैच में बाबर आजम भी करते हुए नजर आए। सो अगर ऐसा है तो पाकिस्तानी टीम को अपनी रणनीति में बदलाव जरूर से करना चाहिए। अब बात आती है कि उस थप्पड़ के पीछे की वजह क्या। जब पाकिस्तानी टीम बॉलिंग कर रही थी यानी फील्डिंग कर रही थी उस टाइम पे, हारिस रऊफ जब बॉलिंग कर रहे थे हारिस उस टाइम पे, यानी कह सकते हो ये दोस्ती वाला था, ये प्यार मोहब्बत वाला था। वैसे कोई इसमें वो एंगल नहीं था जिससे कुछ हो, बाकी दोनों उसके बाद में हंसने लगे। इस चीज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सो दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है और दोनों के इस बॉन्ड को देखकर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। फिलहाल आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।